हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को याद टेस्ट के स्टेप 5 के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछली 4 वीडियोस में याद टेस्ट के स्टेप 4 के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में आप लोगों को याद टेस्ट के स्टेप 5 के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट स्टेप है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 स्टेप की वीडियोज अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। इस स्टेप में मैं आपको उन मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है स्टेप नंबर 5 की डायग्राम, इसे सिग्नल टेस्ट बोला जाता है और ये याद टेस्ट का लास्ट स्टेप होता है, आखिरी स्टेप। ये बहुत ही अहम स्टेप होता है, यहाँ पर भी ज़्यादातर लड़के जो हैं वो काफ़ी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से RTA उनको फेल कर देता है। तो आप लोगों ने उन मिस्टेक को याद रखना है तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे। तो आपने स्टेप की तरफ आना है, स्टेप पर आके आपने रुकना है, बाइक को फर्स्ट गियर करना है और हेड चेक करना है। स्टेप की तरफ जाने से पहले आपने हेड चेक लाजमी करना है। तो जैसे ही आपने चलना है, आपने थोड़ा सा आगे जाके सेकंड गियर लगा देना है। सेकंड गियर लगाने के बाद आपकी जो स्पीड है वो 20 से 22 तक होनी चाहिए, इतनी स्पीड आपने लाजमी रखनी है सिग्नल टेस्ट के दौरान। तो जैसे ही आपकी स्पीड तेज़ होती है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक येलो लाइन नज़र आएगी, वहाँ पर आपने पहुँचना है। जैसे आपने उस येलो लाइन को क्रॉस करना है, आपने रेस को छोड़ देना है। जैसे आप रेस को छोड़ेंगे, आपकी स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी बाइक की, क्लच को आपने नहीं पकड़ना, स्पीड आपकी कम हो जाएगी और ना ही आपने ब्रेक का यूज़ करना है। ब्रेक आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। और सामने आपको सिग्नल मिलेंगे, वहाँ पर लेफ़्ट राइट और स्टॉप का सिग्नल होता है, वो RTA जिस साइड का भी सिग्नल ऑन करता है या रेड सिग्नल करता है तो आपने उस साइड को जाना होता है। तो यहाँ पर आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जैसे ही आप येलो लाइन को क्रॉस करेंगे, आपने ब्रेक को छोड़ देना है और आपने ब्रेक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आप येलो जो लाइनें होती हैं उनमें जाएंगे, तो अगर रेड सिग्नल है तो फिर आपने ब्रेक लगानी है, अगर रेड सिग्नल नहीं है, लेफ़्ट या राइट है, तो आपने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी RTA फेल कर देता है, तो आपने ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो जैसे आप रेस को छोड़ेंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर आपने लेफ़्ट साइड पर जाना है तो आपने 8 नंबर से पहले लेफ़्ट कर जाना है, 8-9 नंबर लाइन जो होती है येलो, उससे पहले आपने क्रॉस कर जाना है, लेफ़्ट साइड पर हो जाना है। अगर लेफ़्ट है तो राइट है तो आपने राइट साइड पर हो जाना है। और यहाँ पर आपको ये सामने जो लाइनें नज़र आ रही हैं, आपका जो बाइक का टायर है वो इनको टच नहीं होना चाहिए जब आप लेफ़्ट राइट जाएं, तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अगर इनको टच होता है तो फिर भी आपको फेल कर दिया जाता है। तो अगर आपको स्टॉप का सिग्नल मिलता है तो आपने 8 नंबर से पहले रुकना होता है, 8 नंबर जो होता है येलो लाइन्स का, उनसे पहले आपने रुकना होता है, 8 लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। अगर आप उसे क्रॉस करेंगे तो फिर भी आपके पॉइंट काटे जाते हैं या फेल भी होने का चांसेस होते हैं। तो आपने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है। जैसे आपने येलो लाइन में गुजरना है, आपने रेस को छोड़ देना है, उसके बाद आपने 8 नंबर से पहले अगर स्टॉप का सिग्नल था, 8 नंबर से पहले आपने रुकना है, लेफ़्ट राइट जाने से आपने इन येलो लाइन्स को टच नहीं करना अपना बाइक का टायर, उनसे पहले आपने लेफ़्ट राइट हो जाना, टर्न कर लेना है, और यहाँ पर आपने अपने इंडिकेटर का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में याद टेस्ट के स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।